बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला चल रहा है। न्यूजीलैंड की तरफ से डैरिल मिचेल और अश्विन रमन की शानदार पारी यहां पर आई है, उसकी बदौलत न्यूजीलैंड ने एक मजबूत टोटल भारतीय टीम के सामने खड़ा किया है। इस मुकाबले की बात करेंगे कि आखिरकार जब एक वक्त ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम काफी तेजी से 300 से पार जा रही है, लेकिन वहां पर किस तरीके से 300 के काफी पार जा रही है, लेकिन किस तरीके से रोहित शर्मा विराट कोहली ने प्लान बनाया और यहां पर टीम को फंसाया है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यहां पर कर लीजिए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत भारतीय टीम की अगर आप देखें तो अच्छी रही। भारत ने अगर बात कर ली जाए 19 रनों के अंदर न्यूजीलैंड के दो खिलाड़ियों को आउट कर दिया था, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें रचिन रविंद्र, ये वो खिलाड़ी जिसका नाम रचिन में राहुल द्रविड़ भी है और सचिन भी है, और वो अपने नाम के हिसाब से यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। आज भी अगर आप देखें तो उन्होंने शानदार पारी खेली, 87 गेंदों पर 75 रन बना डाले, और उनके और अगर आप देखें डैरिल मिचेल के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई। डैरिल मिचेल ने भी अगर आप देखें तो शानदार तरीके से यहां पर रन बनाए, और ये आंकड़ा अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड टीम ने भारत के खिलाफ रखा। एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड एक बड़े टोटल की तरफ जा रहा है, जब उनके स्कोर अगर आप देखें 178 पर उनके दो विकेट थे, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से कुलदीप यादव ने ड्रिंक्स ब्रेक होता है और वहां पर जिस तरीके से बातचीत होती है रोहित शर्मा विराट कोहली की आपस में, और उस प्लान ने इस मुकाबले में एक बदलाव लाया और वहां से टीम कमबैक कर ली। अगर आप देखें तो भारतीय टीम की तरफ से अगर आप देखें तो कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 73 रन देकर दो विकेट लिए। शुरुआत के 4 ओवरों में बड़े महंगे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने वापसी की और फिर वहां पर टीम इंडिया को वापस दिलाया इस मैच में। इसके अलावा अगर आप देखें रविंद्र जडेजा को विकेट नहीं मिला, पर उन्होंने इकोनॉमी उनकी अच्छी रही। शमी आज वापसी कर रहे थे और उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की। इसके अलावा बुमराह तो हमेशा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और आज इस मुकाबले में भी उन्होंने अच्छी वापसी की है। अब देखते हैं कि भारतीय टीम इस टोटल को चेस कैसे कर पाती है, क्योंकि भारतीय टीम का जो आंकड़ा है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या रोहित शर्मा विराट कोहली इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिला सकते हैं, इस आंकड़े को पार करवा सकते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या भारत इस स्कोर को चेस कर पाएगा। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।